आपने आवाजें सुनाई थी, आप बोलते भी शीशे पे नोखे। हाँ बिल्कुल, आवाज आती कड़कने की, आती है कड़काने की। हाँ, शहीदों की, शहीदों की सुनी आपने कभी आवाज? बिल्कुल, मैं सुनते रहता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मुझे दिखाई भी देते हैं। दिखाई देते कभी कभी? बिल्कुल। शीतों ने आपसे बात की या आपने इनसे बात? तो मुझे बात नहीं ज्यादा करते हैं, वैसे दिखाई दे देते हैं, अगर किसी ने आना है तो पता लग जाता कि ये आने वाला है। जदों इस पासे कई पिंडां दे विच पाकिस्तानी फौजां ने कब्जा कर लिया सी, ते उस तो बाद ए पिंड छड़ाई किवें गए? जिथे समय मैं मौजूद हाँ इथों तक भी फौजी आ गए सी पाकिस्तान दे। इधर है पाकिस्तान, इधर इंडिया। जदों 3 दिसंबर 1971 दी शाम वेले पाकिस्तान ने अचानक हमला कर अचानक हमला करता, इतने 4-8 बटालियन तैनात सीगी, और ये पाकिस्तानी जिहड़ी रेंजर सीगे उन्होंने इस तरह के उपर शॉट लैके ना तो नीचे अपने हथियार छुपा ले सीगे। ये जो आए है तो साडे आर्मी ने तो यह समझे कि यह किसान ने या साडे अपने इंडियन हैगे ने, तो ये आए कहिंदे जी अगे सन जान दो, इत्थे आया तो इन्होंने एकदम ही अपने कपड़े उतार के तो साडी जिहड़ी आर्मी आ उन्हां ते हमला कर इतने 4-8 बटालियन के काफ़ी जवान जोड़े वो शहीद हो गए। सरदार जस्सा सिंह जी सी जो 65 की लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान एंटर कर गए, उत्थे जाके उन्होंने मोर्चे के छुप गए, उन्होंने को हथियार खत्म हो गए, गोली बरूद खत्म हो गई, उत्थे जाके सिर्फ खाली बंदूक रह गई। उन्होंने बट के नाल, बंदूक का बट है ना, वो नाल ही आर्मी उन्होंने जी रेंजर से उन्होंने मारिया। उन्होंने बकायदा आपकी किताब के दर्ज किया कि यह सब तो बहादुर जवान हैगा, भावें उत्थे शहीद हो गया। इत्थे बंब सुट्टे गए सी इस पुल उत्ते, इस पुल के उपर बंब सुट्टे, क्योंकि साड़ी आर्मी तो काफ़ी उन्होंने शहीद कर दी सी ना, एकदम ही आके उन्होंने हमला किया, पता तो है नहीं सीगा, तैयार रेडी तो है ही नहीं सीगे। इत्थे बंब सुट के तो ये जिहड़े इत्थे हुण सिर्फ सरिए सरिए जी जी उपर विछाई है वह हैगी, बाकी जिहड़े पत्थर है एक इत्थे पत्थर भी पिया, कुछ होर टुकड़े भी इत्थे साइड ते पए ने, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत दे विच है की है। अच्छा, ये पिंड है, ये पिंड हुण आपां जिथे खड़े हां ओह वाला ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया सी? ये पाकिस्तान ने कब्जा, एक यही पिंड नहीं बल्कि होर भी कई पिंड ने, जिदा बखू शाह, मुहम्मद पीरा, कड़ूमी या इस तरह के कई होर पिंड ने जिन्हां ते उन्होंने कब्जा कर लिया सीगा, और इत्थों दे जिहड़े सिविलियन सीगे, जिहड़े पिंड दे लोग सीगे, उन्होंने पकड़ के यह उधर पाकिस्तान दे विच लै गए सी, उन्हां दी जेलां दे विच डक्या गया सी उन्होंने, तो इन्हां दे पिंड तो बिल्कुल वीरान हो चुके सीगे। इत्थे दरख्त दरख्त तो छोड़ो यार, इट्टा तक कट के लै गए सीगे मकानां दे विच्चों, पशु तो लै ही गए, जिहड़े कीमती चीज़ां सी ओह तो लै गए, इट्टा तक कट के लै गए सी इन्हां दे। किन्ने किन्ने पिंड च कब्जा कर लिया सी पाकिस्तान? 1400 लोग सीगे, 6-7 पिंडां दे जिहड़े बछिंदे सीगे, जिन्हां दे विच एक 2 साल पहले एक व्यक्ति नौजवान की डैथ हुई है, वह जन्म भी उत्थे ही होया सी, उस जेल दे विच, पाकिस्तान की जेल दे विच होया सी, हुण उहदी 2-4 साल पहले डैथ हो चुकी। इतों कई जवान तो यहोजे बहादुर सीगे इंडियन आर्मी के, वो पाकिस्तान के जाके उन्होंने मतलब आर्मी आर्मी से उन्होंने रेंजर से हमला कर दिता। उस वेले यह दुश्मन से शिनोवा शेरमन टैंक एक लैके आए थे, पाकिस्तान तो लैके आए, पाकिस्तान का टैंक सीगा जिहदी ये तस्वीर लगी है, ये हथियार ने उपर बकायदा नाम दिते है 15 राजपूत के लैफ्टिनेंट करनल एस जी थाटे वो अधिकारी, ये पाकिस्तान आर्मी दे जिहड़े हथियार ने उन्हां कोल खो के लिया सीगे। अगे होर भी इस दियां तस्वीरां ने, एक कह सकदे कि मंदिर, मस्जिद और गुरद्वारा ते चर्च सब कुछ इत्थे समाया, इत्थे क्योंकि हरेक धर्म दे ने इत्थे जिहड़े शहीद होए आ, कोई तां पंजाब दा, कोई हरियाणे दा, कोई राजस्थान दा, कोई हिमाचल प्रदेश दा, कोई जम्मू कश्मीर दा, कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश दे हरेक कोने कोने दे शहीद, 206 शहीद अलग अलग राज्यां तों नहीं। गल उन्हां शहीदां दी जिन्हां ने देश लई जाना कुर्बान कीतियां, तां असीं इस समय मौजूद आ आसफ वाला विखे, तां इक तुहानूं घटना दा जिक्र करांगे जो कि बहुत लोग घट जाणदे ने। साडे तों सिर्फ लगभग 800-900 मीटर उत्ते पाकिस्तान दा बॉर्डर स्थित है, तां असीं जिस जगह दे उत्ते खड़े हाँ 1971 विच लड़ाई होई सी जिस विच जवान शहीद होए सन। क्या यह भी जानता कि पूरे भारत में जिन्हें भी सूबे ने सारे ही जवान अलग अलग सूबे के इतने मौजूद सन 1971 में, तो 1971 की जंग में वो शहीद हो गए सन। तुहानूं विस्तार नाल गल दसांगे कि
क्योंकि खास इस करके मैं कह रहा इतने कि इस जगह के उत्ते जो सिविलियन आस पास के पिंड के लोग ने तो आर्मी वाले ने फौजी वाले फौजियों ने उन्हों की डेड बॉडी इकट्ठा करके 18 फुट चौड़ी तो 90 फुट लंबी चिता के उपर उन्होंने फौजियों नमन किया गया सी, उन्होंने साड़िया गया सी। तो साढ़े सतीश मौजूद ने जो कि लगभग 15 सालों के उत्तों इतने टेक केयर करते आते हैं। इतिहास की जानकारी लवेंगे, इतिहास पक्षों गलबात करेंगे, वह सारा वाकया की सी जदों इस पासे कई पिंडां दे विच पाकिस्तानी फौजां ने कब्जा कर लिया सी, ते उस तो बाद यह पिंड छड़ाए किवें गए, जिथे समय मैं मौजूद हाँ इतों तक भी फौजी आ गए सी पाकिस्तान दे, यह छड़ाए किवें गए पिंड तुहानूं सतीश कुमार दसांगे, तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे म्यूजियम विच लगियां होईआं, उह तस्वीरां नूं समझावांगे वी उह किवें शहीद होए। अज उस पासे जा नहीं सकदे क्योंकि बार्डर दे कोल फौजी फौजियां वाले पासे जाण दी इजाजत नहीं हैगी, तां सतीश कुमार दी तस्वीरां नाल तुहानूं समझाणगे कि साढ़े इतिहास है। सतीश कुमार जी, पंजाब न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब बात करेंगे 1971 से, पहले तो वो बता दो 1971 में यहाँ पे क्या क्या हुआ था। सर जो कुछ मुझे जानकारी है वो मैं बता सकता हूँ, बाकी जानकारी श्री संदीप गल्होत्रा जी बता सकते हैं, प्रफुल्ल नागपाल जी बता सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर शशिकांत जी बता सकते हैं। जो थोड़ी बहुत जानकारी वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक युद्ध चला है, 18 तारीख को सुबह 7 बजे लेके शाम के 4 बजे तक डेडवाड़ियाँ उठा के यहाँ पर इकट्ठी की गई। उनका 4 बजे सामूहिक अंतिम दाह संस्कार आदर सम्मान नाल किया गया यहाँ पर। ये 90x18 चिता है, उनके पवित्र फूल इस स्मारक में रखे हुए हैं। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्मारक है, उनकी अस्थियाँ इसी स्मारक में, उनकी अस्थियाँ राख सारी उनकी इसी स्मारक में है। कुछ पास्ट जो थे उनके परिवारजनों को दिए गए थे और सारा परिवार बुलाया जाता है। 16 दिसंबर को बहुत बड़ा मेला लगता है, विजय दिवस, सारे परिवार शहीद परिवार बुलाए जाते हैं और 206 लगभग जो शहीद हुए हैं वो यहाँ पर उनके सबके नाम लिखे हुए हैं, आपको दिखा सकते हैं। 15 राजपूत की ये है यादगार, और इसके बाद में गोरखा 11 गोरखा इधर आ गई है, नाम इनके लिखे हुए हैं 11 गोरखा के नाम ये लिखे हुए हैं, 13 आदमी उनके शहीद हुए हैं। इसके बाद में सर 3 आसाम है 35 आदमी, तो आर्मड है ये अपने मेजर नारायण सिंह है फोरजाट के, पाकिस्तान के अफसर को इन्होंने गोली से तो मारा था, इनकी ये इतिहास है, बाकी तुम पढ़ सकते हो। पाकिस्तान के अफसर को उसमें से मार के गिराया था, मार दिया था वहाँ पे, हाँ उनको मार दिया था। और ये वीरता भवन है, इसमें सबकी फोटो लगी है आप देख सकते हैं, और अपने बाकी ये देख रहे सिविल कमेटी ही करती है और कमेटी ही सारा कुछ इनका देख रेख करती है। ये सबकी जवानों की फोटो लगी आप देख सकते हैं, और बाकी जो जानकारी लेनी है जैसे पाकिस्तानी सिविल ड्रेस में आए थे। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे आवाज़ें भी आती हैं शहीदों की। सर अगर मन से आओगे तो सब कुछ आवाज़ भी सुनाई देगी, वो आपको मन की इच्छा भी पूरी होगी। ये मंदिर से कम नहीं, गुरुद्वारा और मंदिर में शीश तो झुकाते हैं, लेकिन ये उससे भी कम नहीं है, उनके बिल्कुल बराबर है। आपने आवाज़ें सुनाई दी, आप बोलते भी शीशे पे नोखे, हाँ बिल्कुल आवाज़ आती कड़कने की, आती है कड़काने की, हाँ शहीदों की सुनी आपने कभी आवाज़? बिल्कुल, मैं सुनते रहता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मुझे दिखाई भी देते हैं, दिखाई देते हैं कभी कभी, बिल्कुल दिखाई देते हैं। अच्छा, अभी और भी एक जगह से ऐसे बात आई थी, इंफॉर्मेशन आई थी कि कई जो नौजवान शहीद हुए हैं उनके अभी भी दिखाई देते हैं किसी को, तो ये सच है जैसे आप बोल रहे हो? सर ये जो शहीद हैं हमेशा बॉर्डर की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, हर आदमी की रक्षा करते हैं। कभी इन शहीदों ने आपसे बात की या आपने इनसे बात? तो मुझे बात नहीं ज़्यादा करते हैं, वैसे दिखाई दे देते हैं, अगर किसी ने आना है तो पता लग जाता है कि ये आने वाला है। ये अपने महावीर चक्र हैं, हवलदार सिंह हवलदार हैं, नायक एक सिपाही समझ लो, नायक हैं महावीर चक्र, ये सारे फोटो हैं, इनकी फोटो कर लो। बाकी अगर जानकारी लेनी है प्रफुल्ल जी नागपाल, साढ़े नाल एक होर भी शख्स मौजूद ने लक्ष्मण ने, उन्हां नाल भी चर्चा करांगे क्योंकि थोड़ा भारत हिंद वंदे मातरम।
इन्होंने भी चर्चा करेंगे भाजी जिस तरीके जिन्ना को इन्होंने पता सी जानकारी दी है हुण इन्होंने सारा दसण की कोशिश की पर मैं कहांगा थोड़ा पंजाबी विच तुसीं भी दसो तस्वीर जो तस्वीर लगी हुई इत्थे ये तस्वीर नूं लैके या बरीवाला जिस तरीके उत्थे लड़ाई हुई सी इस तस्वीर नूं जे समझना होवे तां किवें समझ सकदे आ। देखो इधर है पाकिस्तान इधर इंडिया जदों 3 दिसंबर 1971 की शाम वेले पाकिस्तान ने अचानक हमला करता इतने 4-8 बटालियन तैनात सी और ये पाकिस्तानी जिहड़ी रेंजर सीगे उन्होंने इस तरह के उपर शॉट लैके ना तो नीचे अपने हथियार छुपा ले। जो आए है तो साडी आर्मी ने तो यह समझे कि यह किसान ने या साडे अपने इंडियन हैगे ने तो यह आए कहिंदे जी अगे सन जान दो इत्थे आया तो इन्होंने एकदम ही अपने कपड़े उतार के तो साड़ी जी आर्मी है उन्होंने हमला कर दिता इतने 4-8 बटालियन के काफ़ी जवान जोड़े वो शहीद हो गए। अच्छा हम ये पिंड है ये पिंड हूँ आप जिते खड़े हैं वो वाला ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया से ये पाकिस्तान ने कब्जा एक यही पिंड नहीं बल्कि होर भी कई पिंड ने जिदा बखूशाह मुहम्मद पीरा कड़ूमी या इस तरह के कई होर पिंड ने जिन्हें उन्होंने कब्जा कर लिया और इतों के जोड़े सिविलियन जोड़े पिंड के लोग सके उन्होंने पकड़ के यह उधर पाकिस्तान के लै गए उन्होंने जेलों के डकया गया से उन्होंने फिर जो इंडियन ते पाकिस्तान का समझौता होया तो उन्होंने छड़ दिता गया रिहा कर दिता गया बाद जो ये आए हैं इतने तो इन्होंने पिंड तो बिल्कुल वीरान हो चुके थे। इतने दरख्त तो छोड़ो यार इट्टा तक कढ़ के लै गए थे मकानों के पशु तो ले ही गए जिहड़े कीमती चीज़ें से वो तो लै गए इट्टा तक कढ़ के लै गए इन्हों किन्ने पिंड च कब्जा कर ले सी पाकिस्तान 1400 लोग सीगे 6-7 पिंडां दे जिहड़े बशिंदे सीगे जिन्हां दे विच एक 2 साल पहले एक व्यक्ति नौजवान की डैथ हुई है उहदा जन्म भी उत्थे होया सी उस जेल दे विच पाकिस्तान की जेल दे विच होया सी हुण उहदी 2-4 साल पहले डैथ हो चुकी है। हुण जदों 71 विच आए सी इस पासे दी हुण इह वाला पुल जिहड़ा हुण मौजूद हैगा इह पुल मौजूद है पर इह जदों क्योंकि इह पाणी है सारा है ना साफ नज़र आ रहा है इतने बंब सुट्टे गए थे इस पुल के उपर बंब सुट्टे क्योंकि साड़ी आर्मी तो काफ़ी उन्होंने शहीद कर दी सी ना एकदम ही आके उन्होंने हमला किया पता तो है नहीं तैयार रेडी तो है ही नहीं इतने बंब सुट के तो ये जड़े इतने हुण सिर्फ सरिए जी जी उपर विछाई है वह हैगी है बाकी जो पत्थर है एक इतने पत्थर भी पे है कुछ होर टुकड़े भी इतने साइड पर पे ने बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हैगी है ये पुल अज भी मौजूद है। हुण पाकिस्तान दे इस पासे आ गए सी जिहड़े सिपाही ने तो कुछ तस्वीरां तुसीं होर भी कह रहे सी मौजूद ने भी टैंक पकड़ ले सी या सामने ने जदों इन्होंने हमला किया साडी आर्मी दे कुछ जवान शहीद होए तो साडी आर्मी होर इन्होंने फिर हमला किया इत्थों कई जवान तो इहो जिहे बहादुर सीगे इंडियन आर्मी के वो पाकिस्तान दे विच ही जाके उन्होंने मतलब आर्मी आर्मी से उन्होंने रेंजर से हमला कर दिता उस वे यह दुश्मन से शिनोवा शेरमन टैंक एक लैके आए थे पाकिस्तान तो लैके आए पाकिस्तान का टैंक सगा जिंद तस्वीर लगी है ये हथियार ने उपर बकायदा नाम दिते है 15 राजपूत के लैफ्टिनेंट करनल एस जी थाटे वो अधिकारी ये पाकिस्तान आर्मी के जोड़े हथियार ने उन्होंने को खो के लिया है अगे होर भी इस दस्वीर ने यह 15 राजपूत लैफ्टिनेंट थाटे जी दुश्मन तो छीनी हुई 6 पाउंडर गन जिन्हां नाल उन्होंने हमला किया वो भी खो के लियाए थे। गिलगिट जीप है ये भी इंडियन आर्मी उन्होंने को खो के लियाए थे तस्वीर अजे भी मौजूद ने और बाहर टैंक भी एक लगाया हुआ पहले इतने एक टैंक सीगा काफ़ी दिन लगे रहा बहुत मतलब एक कह सकते कि मंदिर मस्जिद और गुरद्वारा तो चर्च सब कुछ इतने समाया इतने क्योंकि हरेक धर्म के ने इतने जो शहीद होया कोई तो पंजाब का कोई हरियाणे का कोई राजस्थान का कोई हिमाचल प्रदेश का कोई जम्मू कश्मीर का कोई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश देश के हरेक कोने कोने के शहीद 206 शहीद अलग अलग राज्यों तो नहीं इतने ही उन्हां दी चिता जी बनाई गई है 90 फुट लंबी तो 18 फुट चौड़ी इन्हां दा दाह संस्कार किया गया सी लास्ट डे। ये तस्वीर इस नहर की है ये बेरीवाला पुल की आ उ जिथे उन्होंने हमला किया देखो किदा उन्होंने मतलब बंब सुट सुट के सब कुछ बर्बाद किया उस वेले।
हुण जिवें मैं बाहर लैके जाऊँगा दर्शकों नूं कि बाहर तुहानूं दुबारा फिर वो मैं दिखा देवां जिथे कुछ ही दूरी ते 700-800 मीटर की दूरी के उत्ते सामने पाकिस्तान है। अच्छा भाजी हुण इह समारक इत्थे बनिया होया मैं हुण जिस तरह भी तुसीं दिखाया भी काफ़ी लोग इत्थों बाहरों आउंदे ने ते इत्थे नतमस्तक हुंदे ने ते हुण जिहड़े पिंड हैगे सी आसे पासे जिवें तुसीं कहा सी वी पाकिस्तान मिलटरी एंटर कर गई कोई समझौता होया सी किस समझौते ने फिर पाकिस्तान दे वापस गए फौजी इत्थों? नहीं जो समझौता होया उस वेले जगह कुछ तो आर्मी ने युद्ध के दौरान ही छुड़ा ली सी जिहड़े साडे बंदे लैके गए थे सिविलियन जिहड़े पिंड वासी लैके गए थे समझौते तहत छड्डे गए उन्होंने जो उत्थे पकड़े कुछ इंडियन आर्मी ने भी पकड़े सी समझौता होया दोनों देशों के विच तां उन्हां नूं रिहा कीता ते अपने अपने घरों पहुंचे जाए। सिविलियन भी उस मारे गए मारे नहीं कोई कोई शायद लोग हुण उस वेले सिविलियन इन्ने ज़्यादा नहीं मारे गए थे पर आर्मी की इको एक देश की शायद यह जिहड़ी समारक है वह होएगी जिथे सब तो ज़्यादा देश के शहीद मतलब पाकिस्तान की जंग के हुए। अच्छा हुण एक कह जांदे भी अस्थियां भी सारे दी इत्थे ही मौजूद है जिन्हां ने पछाण लिया सी घरदिआं ने वह लै गए बाकी सब दी इत्थे ही नहीं सारी नहीं टोटल उन्हां दे विच्चों कुछ हिस्सा लैके गए सी बाकी सारे की जी अस्थियां ने वो इतने ही चिता बना के ना उन्होंने कुछ लैके गए थे ताकि वो अपने रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने जरा कर सक रीति रिवाज जो होंगे घर सौ होंगे रीति रिवाज वो करने वास्ते इतों लैके गए थे बाकी सारिया अस्थियां इतें ही है उन्होंने कुछ कुछ हिस्सा लैके गए थे उन्होंने परिवार अज भी आते हैं उन्होंने परिवार इतने दस दया कि जो भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होएगा कोई भी मंत्री आएगा उत्थे जाण तो पहला वो इत्थे शहीद की समाधि नमन करके जाता जिहड़ा भी पर्यटक फाजिलका दे विच आएगा इत्थे आके नमन करके जाता वह इत्थे स्कूलों के बच्चे आम लोग बहुत ज़्यादा तादाद दे विच अंदर विजिटर रजिस्टर हैगा लग्या उहदे उपर बकायदा लिख के जाते हैं अपनी एंट्री पा के जाते अलग अलग देशों तो भी आते हैं लोग इत्थे देखण वास्ते ना इहदा इतिहास पढ़न दे वास्ते अलग अलग थावां तो आते हैं लोग बच्चे भी आते हैं और 3 दिसंबर तो बाद जो जंग खत्म हुई सी 17 दिसंबर उस तो पहला शहर के एक टाइप की रैली कह सकते हैं वो कढ़ी जाती सारे जिहड़े लोग आर्मी प्लस जिहड़ी शहीदां दी समाधि संभाल रही है शहीदां दी समाधि सभा बनी है एक वह होर आम सिविलियन लोग मिल के आर्मी के नाल एक शहर के पूरी तरह मतलब रैली कटते हैं या शहीदों के परिवारों भी बुलाते हैं समाधि सभा वाले लोग वो शहीदों के परिवारों बुलाते हैं इतने नमन करने वास्ते बकायदा उन्होंने सम्मानित करते हैं शहर के फुलों की वर्खा की जाती है बहुत लंबी चौड़ी। कितने जवान अपने शहीद हो गए थे पाकिस्तान का कोई डाटा मिलता भी कितने कुछ जवान उन्होंने इस पास शहीद हो गए उन्होंने डेड बॉडी मिली होगी मतलब एक शहीद मेजर नारायण सिंह जी शायद नाम है उन्होंने वो उधर जाके शहीद हुए थे उन्होंने बकायदा अपनी बुक के लिखे है कि यहो जे जवान से जिन्होंने साढ़े सब तो ज़्यादा शहीद की इन्नी बहादुरी के किस्से ये उधर भी गूंजते ने इतों जाके ना वो पाकिस्तान के रात में एंटर करके उन्होंने उन्होंने मोर्चे के वड़ के एक मैं होर गल दस दिया सरदार जस्सा सिंह जी से जो 65 की लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान एंटर कर गए उत्थे जाके उन्होंने मोर्चे के छुप गए उन्होंने को हथियार खत्म हो गए गोली बरूद खत्म हो गई उत्थे जाके सिर्फ खाली बंदूक रह गई उन्होंने बट के नाल बंदूक का बट है ना उहदे नाल ही आर्मी उन्होंने जिहड़ी रेंजर सी उन्होंने मारिया उन्होंने बकायदा आपकी किताब के दर्ज किया कि यह सब तो बहादुर जवान हैगा भावें उत्थे शहीद हो गया पर यार असी उन्होंने बदौलत अज जे फाजिलका हैगा या मैं तो यह मान सकता पंजाब हैगा तो यह शहीदों की बदौलत है अज असी जिंदे हाँ तो इन्होंने शहीदों की बदौलत जी हम जिमें तुम कह रहे हो भी इन्हों जो भी नौजवान इतने शहीद हुए उन्होंने सारे की समाधि इतने मौजूद है फिर जो मेरा सवाल कि पाकिस्तान भी तो कोई शहीद हुए होंगे वो वापस दे दी डेड बॉडियां कि इतने देह संस्कार किया गया नहीं वापिस जे पाकिस्तान के सके पाकिस्तान दे दिते जे पाकिस्तान के इंडियन शहीद हुए थे इधर क्योंकि समझौता हो गया से ना डेड बॉडी भी इन्होंने इतने बैच लगे होंगे बैच तो पहचान हो जाती है कि किहड़ा जवान है रिकॉर्ड के हिसाब नाल वो अपनी उल्ट पुलट जिहड़े उधर दे गए सी उन्होंने दे दिते गए जिहड़े इधर दे सीगे वो इधर कितना नुकसान हो गया सी अपने फौजियों दे कितना नुकसान हो गया सी ते उन्हां दे कितना नुकसान हो गया देखो लड़ाई तो दोनों वास्ते माड़ी है ना नुकसान उन्हां दा भी होया नुकसान इंडिया का भी होया नुकसान का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता इस तरह के जिहड़ा लड़ाई हुई है उहदे विच तो बहुत ज़्यादा नुकसान होया इंडिया का भी होया उन्हां दा भी होया
अज हालात की हो गई जदों साढ़े को 12 पिंड सके शहीद की समाध है हुसैनी वाला वह लैन के बदले असी 12 पिंड दिते फाजिलका दे पाकिस्तान पहले साडा एरिया काफ़ी मजबूत और लंबा चौड़ा सीगा बाद में जो उन्होंने वो पिंड दिते तो उन्होंने अपनी स्कीम ना लिया पिंड उन्होंने तिकोना बना दिता फाजिलका यानी तीन पासे पाकिस्तान हो गया विचकार फाजिलका रह गया जो भी वो हमला करते कोई भी होवे कोई तकरार होवे या कारगिल युद्ध सीगा तो वह इधरों मतलब तिकोना हो गया विच इंडिया फाजिलका रह गया तो वह तिना पासे तो घेर लेंदे सी सानू उस चीज़ का नुकसान भी होया तो सानू माण भी है वैसे शहीदों की जी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की समाध लैन बदल से फाजिलका की एड्डी वड्डी कुरबानी दी सानू माण भी है तो असी दावे नाल कह सकते हैं भी शहीदों की समाध लैन वास्ते फाजिलका ने तरह की कुरबानी दी सच गल बस सुनिए तुम ये समारक देख रहे हो जिवें हुण इत्थे भाजी कह रहे थे जो सतीश कुमार केयरटेकर ने खुद कह रहे थे कि पूरे भारत में सब तो ज़्यादा वड्डी जिहड़ी चिखा बाली गई शहीदां दी इत्थे बाली गई सी तां इह समारक इस करके लोग इस ते उपर आउंदे ने क्योंकि सारियां ही पंजाब जिन्ने भी भारत हैगा अलग अलग सूबिआं दे विच्चों कोई ना कोई इस जगह दे उत्ते नौजवान फौजी मौजूद सी सूबे दे अलग अलग जगह दे उत्तों ते इत्थे ही उहने चिखा बाली गई सी ते अस्थियां भी इत्थे ही मौजूद ने इस समारक दे विच तां लड़ाई भी जदों हुंदी आ जिहड़े अज तत्ते बोल करदे ने जां कई डिबेट करदे ने ज कई चैनल उत्ते आके कहिंदे ने भी लड़ाई हो जानी चाहिए आ इन्हां पिंडां विच आके पुछिया करो इन्हां पिंडां विच आके उन्हां शहीदां दे परिवार नूं पुछिया करो भी लड़ाई जरूरी है कि शांति जरूरी है बड़िया चुक चकाइयां दे विच आके भी स्टेटमेंट आ जांदियां ने भी पाकिस्तान को बदला लैना चाहिए ठीक है जे कोई तुहानूं अक्खां दिखांदा गलबात होनी चाहिए है पर बदले का मतलब यह तो नहीं है कि तुसीं जंग कर लो उस पासे जाके तो जे जंग बारे सोचते हो जां तुसीं जंग बारे वह दृश्य देखते हो तो पहले इन्हों पिंड आके देखना इन्होंने पिंड लोगों को मिल के देखना जिन्होंने खुद अपने सिविलियन जो परिवार दियाँ जाना कुर्बान कीतियां ने कई इत्थे इहो जिहे भी व्यक्ति हैगे ने जो तो फौज विच भी नहीं हैगे सी युद्ध मारी भी गए उस समय 71 की लड़ाई के वेले तो इन्हां सरहद दियां बॉर्डर से आके देखा करो भी कि वाकई ही जंग जरूरी है कि वाकई ही टीवी चैनल से आके बैठ के आप कह दें भी ठीक है जंग ला दो असं बदला लेना चाहते हैं गलबात समझौते नाल भी हो सकती है लड़ाई भी हुई सी 71 की बाद च समझौता ही होया सी जो समझौता ही होया सी फिर लड़ाई करन दा फायदा की सी कभी इन्हां परिवारों नूं आके पुछया जे सरहद विच इन्हां बॉर्डर से बैठे परिवारों नूं आके पुछया जे कि वाकई लड़ाई जरूरी है फिर तुहानूं पता लगेगा भी असीं कित्थे गलबात करदे हां असीं कित्थे खड़े हां तो कभी इन्हां शहीदां नूं भी याद करके अज लोग इत्थे आउंदे ने ते कई भी लोग इत्थे आके नतमस्तक भी हुंदे ने तो इन्हां शहीदां नूं साडे वल्लों पंजाब न्यूज़ वल्लों भी असीं प्रणाम करने हां ते तुसीं साडे नाल जुड़े रहना।